हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के मैथ्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज के सेशन में जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के रहने वाले हैं। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, यानी जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड क्लास हमारी हुई है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो वापस जाकर या पिछली वीडियोस में जाकर क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आप लोग देखिए। उसी के बाद आप लोगों को क्लास फोर्थ जो है वो समझ आएगी, क्योंकि आज जो हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो हम बहुत ही शॉर्ट रखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट मेथड में हम लोग टाइम एंड वर्क की आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा सेशन में होने वाला है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो एक बात बताइए, 40% को क्या मैं 2/5 लिख सकता हूँ? तो अगर पांच, अब देखो कौन किससे ज्यादा है, आपसे कहा गया बी जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है किससे, ए से। अगर ए की एफिशिएंसी पांच है तो बी की क्या होगी, बी की दो ज्यादा होगी ना, बी की दो ज्यादा है। तो इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है, 5/7। तो ये एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है। और अगर डेज की हम बात करें तो डेज कितना होगा, 7/5। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, डेज से भी निकाल सकते हो और एफिशिएंसी से भी निकाल सकते हो। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। देखो भी, ए ने कितने दिन काम किया, आप कहते हो ए ने 70 दिन काम किया। तो 70 दिन काम किया पांच की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना आ गया, अभी 350 वर्क आ चुका है। अब ये 350 वर्क जो है ये आपको करवाना किससे है, बी से करवाना है अभी। तो 350 बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 7। तो बी को कितने दिन लग जाएंगे, आप कहोगे भी बी को 50 डेज लग जाएंगे। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो ये तो था अगर आप एफिशिएंसी से आते हो, तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी मेथड अगर आप फॉलो करते हो। और अगर आप डेज मेथड फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखो भी, ए के कितने हैं, 7। तो क्या मैं लिख सकता हूं 7:0 बराबर किसके है, 70 के। 1:0 बराबर किसके आ गया, 10 डेज के। 1:0 इज इक्वल्स टू 10 डेज। तो बी के पास कितनी है, बी के पास है 5:0। तो 5:0 बराबर किसके हो जाएगा, 50 डेज के बराबर हो जाएगा। और ये जो है ये ही मुझसे पूछा गया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यानी बी जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, भी 50 डेज में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 men और 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 7 hours a day। ये क्या कहता है भाई, 4 men या 6 women किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, कितने घंटे काम करके भाई, 7 घंटे काम करके। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज विद 10 men and 3 women। तो बताओ भी, 10 men है, 10 men के साथ 3 women, और ये कितना काम करेंगी, ये दो गुना काम करेंगी। कितना काम, दो गुना काम करेंगी। तो आपसे पूछा गया कितने दिन लगेंगे यदि कार्य करने के घंटे क्या हो भी, 8 घंटे। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने सिखाया है, 4 men is equals to 6 women। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, 3/2। तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है और एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल देते हैं, यहां से हम काम निकाल देंगे। चार आदमी काम करते हैं 3 की क्षमता से, तो 4 गुना में 3, ये टोटल मैन की एफिशिएंसी हो गई। 12 दिन काम किया
और कितने घंटे, 7 घंटे, तो मेरे पास वर्क कितना आ गया, 12 गुणा में 7, तो ये मेरे पास टोटल वर्क आ चुका है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में जाके भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो काम करवाना है, हमें करवाना है ट्वाइस एज लार्ज विद, तो यानी डबल काम। तो न्यू काम कितना आ गया, अभी न्यू वर्क हमारे पास कितना आ चुका है, 12 गुणा में 12 गुणा में 7 गुणा में 2, तो ये मेरे पास क्या आ चुका है भाई, न्यू वर्क आ चुका है। और ये करवाना किससे है, 10 मैन, तो एक मैन की एफिशिएंसी अगर 3 है तो 10 मैन की कितनी हो गई, 30 हो गई भाई। और यहाँ पे 3 वुमेन है तो एक वुमेन की अगर 3 है तो यहाँ पे कितनी आ गई भाई, 10 मैन की 30 आ गई और 3 वुमेन की कितनी आ गई भाई, 3 × 6, तो टोटल कितनी हो गई, 36 एफिशिएंसी यहाँ पे हो चुकी है। तो न्यू वर्क करवाना है न्यू एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे, डिवाइड में कर देते हैं 36, तो 12 × 36, 3 × 12, तो ये आपके पास देखो 12 गुणा में 12, दोगुने काम को करना है। और कितने घंटे में करना है भाई, ये करना था हमारे पास 8 घंटे में, तो ये 4 × 2 = 8 और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो कितने दिन आ गए भाई, 7 डेज आ चुके हैं। ठीक है, तो ये काम करना था किसके द्वारा, 7 दिनों के द्वारा। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो चुका है भाई, आंसर हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? तो देखो, A करता है 10 में, B करता है 12 में और C करता है 15 में। तो यहां से हमारे पास LCM कितना आया, 60, ये करता है 6, 5 और 4। अब जो कार्य समाप्ति से पहले, यानी बिफोर कंप्लीशन जो करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, जो काम छोड़कर गया है, जो काम छोड़कर गया है उसे वापस बुला लेते हैं, उसे वापस बुलाया जाता है। ये मेथड आप यहां फॉलो करोगे। तो देखो भी, अब ए कितने दिन पहले गया था, ए गया था 5 दिन पहले, तो वापस आएगा तो ए की एफिशिएंसी 6 है, 5 दिन में कितना काम कर देगा, ये 30 काम जो हो रहा है ये आपके पास एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। और अब देखो, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर, तो ए के जाने के 2 दिन के बाद, तो ए के जाने के 2 दिन के बाद अगर गया तो इसका मतलब 3 दिन पहले गया होगा, यानी बी लेफ्ट 3 डेज अर्लियर, बी लेफ्ट 3 डेज अर्लियर, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, इसको मैं 3 दिन के लिए उल्टा बुला लेता हूं, तो ये आपके पास कितना आ गया, 15, तो ये भी क्या हुआ, आपके पास एक्स्ट्रा वर्क हो गया भी। तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना हो गया, 45, किस में ऐड करेंगे, 60 में ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपके पास 60 + 45, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 105 काम आ गया। अब ए भी वापिस आ चुका है, बी भी वापिस आ चुका है और सी तो था ही, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, 4, 10, 5, 15, तो 105 काम 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन में हो जाएगा भी, 7 दिन में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बिफोर कंप्लीशन वाला जो वर्क है, ये जो वर्क है, ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए
कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15, सी इन 20. तो ए हो गया आपके पास 10, बी हो गया आपके पास 15 और सी हो गया 20. तो एलसीएम वही 60 आ गया. ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5. अब देखो, ए एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 2 डेज. तो ए और सी से कितने दिन का काम करवा लेते हैं? ए और सी से 2 दिन का काम करवा लेते हैं. तो 15 गुणा में 2 यानी कितना काम हो चुका है हमारे पास? 30 डेज लग चुके, यानी 30 वर्क हो चुका है, डेज नहीं, 30 वर्क हमारे पास हो चुका है, 30 वर्क हो चुका है. अब एंड देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी. तो अब क्या हुआ? ए तो चला गया, लेकिन इसके स्थान पर कौन आ गया? रिप्लेसमेंट अगर हुई तो सी तो कहीं नहीं गया, यानी वर्किंग में अब कौन है? बी और सी है. तो बी और सी है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी. ये 9 एफिशिएंसी आ गई भाई. तो काम कितना था? 30 काम हो चुका है, 30 आपका रहता है, 30 आपका काम हो चुका है, 30 आपका, ये 11 आएगा फिर आप. 11 इंटू में 2 इज इक्वल टू 22, ये 22 बनेगा. यहां पे ए और सी ने अगर काम किया तो ए और सी तो 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे ना. कितने दिन? 2 दिन. तो आपके पास ये कितना आ चुका है? 22 काम आ चुका है. तो 22 काम अगर हो गया तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है? रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना रह गया? 60 माइनस का 22, यानी ये कितना रह गया आपके पास? 38 वर्क रह चुका है. तो 38 काम आपका रह चुका है. अब ये करने वाला कौन है? बी और सी. तो 38/9 तो कितने पे कटेगा भाई? 9 चौके 36, 4 सही 2/9. तो यानी इतने दिन में आपका काम ये कंप्लीट हो जाएगा. किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा. लेकिन ये पूछता है इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वॉज कंप्लीटेड. तो 4 सही 2/3 ये हो गए, 2 दिन ये लग गए, तो टोटल वर्क कितना होगा? 6/9 डेज. तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में 6 गिवन है, तो आप राउंड फिगर क्वेश्चन को आंसर लगाओगे कितना? 6 डेज. तो ये हमारा क्या हो चुका है भाई? आंसर हो चुका है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज. ए और बी अगर मिलके काम करें तो 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं. तो वर्क हम 30 ले लेते हैं, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1. दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज. इन लोगों ने 20 दिन मिलके काम किया, तो मैं कह सकता हूं भी 20 काम हो गया तो मेरे पास कितना काम बच गया? 10 काम. एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज. तो ये क्या कहता है? ये जो 10 काम है ये किसने किया? ए ने किया. कितने दिन में? 20 दिन में. तो 10 काम किया गया 20 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/20 यानी के 1/2. तो ए की एफिशिएंसी अगर हाफ है तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी? हाफ होगी. तो ए कैन फिनिश्ड द होल वर्क. तो ए से पूरा काम करवाना है तो एफिशिएंसी 1/2 है. टोटल वर्क मेरे पास 30 था, तो 30/1/2 तो ये कितने दिन लग जाएंगे भाई? ये आपके पास लग जाएंगे 60 डेज. तो ये 60 डेज हमारा आंसर हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24, बी इन 9 एंड सी इन 12 डेज. बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डेज. देखिए भी, ए करता है 24 में, बी करता है 9 में और सी करता है 12 में. तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया आपके पास? आ गया 72. तो 24, 3, 9, 8 और 12 6, तो ये आपके पास एफिशिएंसीज आ चुकी. अब ये क्या कहता है? बी एंड सी स्टार्ट द वर्क. बी और सी ने काम करना शुरू किया तो 8, 6, 14 कितने दिन तक? 3 दिनों तक, यानी 42 काम तो इन्होंने कर दिया. तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 72 में से 42 अगर मैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग वर्क आ गया 30. द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए. तो ए अगर रिमेनिंग वर्क करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 30/3 यानी 10 दिन में वो कार्य समाप्त कर देगा. तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है. बहुत ही सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं.
A can do a piece of work in 60 days. He works for 15 days. A किसी काम को 60 दिन में कर देता है, तो work 60 मान लेते हैं, efficiency कितनी आ गई 1. इसने 15 दिन काम किया भी, तो 15 दिन काम करेगा, तो आपके पास 15 काम ही होगा, तो बचेगा कितना 45 काम. अब ये देखो भी. Then B also finishes the remaining work in 30 days. अब ये 45 काम B ने किया कितने दिन में? 30 दिन में भी. तो B की efficiency क्या होगी? Efficiency होती है work upon में days. तो work हो गया 45, days हो गए 30, तो ये हो गई 3/2. तो efficiency आ गई किसकी? B की. They together can finish the work. अब देखो, A की efficiency थी 1, B की थी 3/2. तो दोनों की अगर मैं efficiency मिला दूं, तो 2.5 लिख सकता हूं. ये 1.5 होगा और ये 1 होगा, तो 2.5 efficiency किसकी आ गई? A और B की आ गई. 2.5 को भी आप क्या लिख सकते हो? 5/2 लिख सकते हो. दोनों से काम करवाना है. काम कितना है? 60 है भाई. तो 60 अपॉन में 5, ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 दिन में ये दोनों मिलकर काम अपना क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे. तो ये 24 मेरा क्या है? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. ए करता है 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में. एलसीएम 36, ये आ गई 2, ये आ गया 3. अब आगे देखते हैं. दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन. यानी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले किसने काम करना बंद कर दिया? बी ने. तो बी को 3 दिन के लिए वापस बुला लेते हैं. बी को अगर हम वापस बुलाएं तो 3 की क्षमता से 3 दिन कार्य करेगा, तो टोटल वर्क एक्स्ट्रा कितना हो गया? 9. तो अब जो एक्स्ट्रा वर्क किया और जो ओरिजिनल वर्क था, और जो ओरिजिनल वर्क था ये कितना हो चुका है? 9 प्लस का 36 यानी के 45. तो अब ये 45 काम करने के लिए कौन है? ए भी आ चुका है और बी भी है भाई. तो 45 बटे में 5 यानी कितने दिन लगेंगे आपके पास? 9 डेज लगेंगे ये कार्य को कंप्लीट करने में. ऑल द वर्क वॉज कंप्लीटेड. कितने दिन भाई? 9 डेज. यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18, बी इन 15 डेज. ए करता है 18 में और बी करता है 15 में. तो एलसीएम आ गया आपके पास 90 है, तो 18 पांचे और 15 छिके. बी वर्कड फॉर 10 डेज. बी से 10 दिन का काम करवा लेते हैं, 60 काम हो गया अभी, तो बच गया कितना? 30. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क. तो 30 काम 5 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे भाई? 6 डेज. तो ये 6 डेज हमारा क्या है? आंसर है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो चुका है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर्स में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले की जो वीडियोस हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वो आपने अच्छे से समझी होगी. आगे देखते हैं. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ए 20 में और बी 30 में. तो यहां पे एलसीएम 60, एफिशिएंसी 3/2. दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क. ए और बी ने कितने दिन काम किया भाई? 7 दिन. तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने? 35 काम कर दिया ना. तो बच गया कितना? रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास वो कितना आ गया? 60 माइनस में 35, तो ये कितना रह गया भाई? 25 काम हमारे पास रह चुका है. देन सी एलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज. तो यानी ये 25 काम अब किसने किया होगा? सी ने किया होगा. कितने दिन में? 10 दिन में. तो एफिशिएंसी किसकी? सी की. कितनी आ गई भाई? 2.5 आ गई. क्योंकि क्या करेंगे, 25/10 किया जाता है, तो 25/10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2.5. इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क. और 2.5 को हम लोग क्या लिख देते हैं? 5/2. फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको. फुल वर्क कंप्लीट करना है, तो काम कितना था भाई? 60 था. करने वाला कौन है? सी. तो 5 × 2 कितने दिन लगेंगे भाई? 24 दिन लगेंगे. तो ये 24 जो है ये हमारा क्या हो गया? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी.
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए 6 में करता है, बी 12 में करता है और सी करता है 15 में। तो एलसीएम 60 ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 4। आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, 1/8 वर्क जब कंप्लीट हो गया, सी लीव्स द जॉब, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड बी टुगेदर, टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो पहली बात, हम यहां सिर्फ रिमेनिंग वर्क की ही बात करते हैं। तो 60 का 1/8 वर्क अगर हो चुका है तो बच कितना गया होगा, 7/8 बच गया होगा, 7/8 बच गया होगा। इसको हम काट लेते हैं, 4 से काट दिया तो 15 × 7/2, ये मेरे पास रिमेनिंग वर्क आ गया। अब बात को ध्यान से सुनना भी, सी लीव्स द जॉब, सी अब चला गया, सी जो है वो चला गया, तो बचा कौन, ए प्लस बी बचे ना, कितने में, 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितना काम जो बच गया वही, तो 15 × 7/2 × 15 कर दे भाई, तो 15 से 15 कैंसिल, 7/2 यानी कितने दिन लगेंगे इस क्वेश्चन को, 3.5 दिन में ये लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 1/2 days, ठीक है भाई। ऑप्शंस इसके अवेलेबल नहीं थे लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए यहाँ पे 1/8 निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, जो वर्क हो चुका है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है रिमेनिंग वर्क ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए और बी 12 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, बी और सी कर देते हैं 16 days में। तो एलसीएम ले लेते हैं, 48 आ गया भाई, 12 चौके और 16 3 48। इफ ए वर्क्स फॉर 5 days, ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन, बी कितने दिन करता है, 7 दिन, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 days और सी कर देता है कितने दिन में, 13 दिन में। इन हाउ मच टाइम बी एलोन डू द होल वर्क, इन हाउ मच टाइम बी एलोन डू द होल वर्क। अब देखो ए से अकेले काम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की है, बी से भी अकेले नहीं करवाया जाता क्योंकि बी और सी की भी कंबाइंड एफिशिएंसी है, तो हम यहाँ एक एडजस्टमेंट करते हैं। ए से 5 दिन करवाना है तो बी से भी 5 ही दिन करवा लेते हैं, बच गए वो 2 दिन हम बाद में देखेंगे, और सी जो है तो सी से बी के साथ 2 दिन का काम करवा लेते हैं, तो बच गया कितने दिन का काम, 11 दिन का काम रह गया होगा। तो ये हमने क्या कर दी, यहां पे पेयरिंग कर दी। तो अब देखो ए और बी से 5 दिन का काम करवा लिया, कितना हो गया 20, बी और सी से 2 दिन का काम करवा लिया तो कितना हो गया 6, तो यानी टोटल 26 वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना आ गया भाई, 22 आ गया, क्यों, 26 माइनस करेंगे किसमें से, 48 में से, तो ये 22 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा, कितने दिन में, 11 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अब ये काम करवाना है बी से तो बी की एफिशिएंसी चाहिए। अब एक बात बताओ, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की एफिशिएंसी है 3, जिसमें से सी की एफिशिएंसी है 2, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 − 2 यानी कितनी आ गई, 1। तो एक की क्षमता से 48 काम अगर करेंगे तो 48/1 यानी कितने दिन आपको लग जाएंगे, 48 days हमें लगेंगे ये वर्क कंप्लीट करने। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 48। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अगर ये एडजस्टमेंट आप लोग यहां नहीं करते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट जो है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पाए हैं तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए वीडियो में, और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, आपको फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज सी टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, यानी यहां पे गिवन क्या है, यहां पे गिवन है हमें डेज,
तो डेज की रेशियो निकाल देते हैं, ए रेशियो बी रेशियो में सी। तो ए जो है वो बी से तीन गुना समय लेता है, नहीं बी से दो गुना समय लेता है और सी से तीन गुना लेता है। तो अगर ये दो है तो इसको छह मान लेते हैं और बी से डबल है तो ये कितना हो गया तीन। ये एफिशिएंसी किसकी है, ये एफिशिएंसी है, ये रेशियो है किसकी, डेज की। तो यहां से हम लोग एफिशिएंसी की रेशियो निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी बराबर करने के लिए देखो यहां पे मुझे यहां पे दो करना पड़ेगा, ठीक है, 12 बना दिया, यहां पे कितना पड़ेगा चार करना पड़ेगा और यहां पे कितना करना पड़ेगा भाई छह करना पड़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो एफिशिएंसी क्या होती है, 1/6, ठीक है, और यहां कितना हो गया 1/3 और यहां कितना हो गया 1/2। तो एफिशिएंसी ये आ गई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको एक बार, इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कर दिया तो ये कितना आ गया 1:2, 2:3। तो यहां पे भी कितना बनेगा 1:2, 2:3। ये आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। दे कंप्लीट द वर्क इन वन डेज, तो तीन दो पांच और एक छह, छह की क्षमता से एक दिन काम करेंगे, तो यानी वो वर्क कितना आ गया भाई, छह ही काम आया। अब ये काम किससे करवाना है, ए अलोन से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक है, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई आपके पास, 6 डेज लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में आपके रहने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टूगेदर एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टूगेदर। तो देखो ए और सी मिलकर जितना काम करते हैं उसका डबल टाइम कौन लेता है, नहीं ट्रिपल टाइम कौन लेता है, बी। तो अगर ए और सी एक दिन में कर देते हैं तो ये कितने दिन में करेगा, तीन में। तो ये डेज की एफिशिएंसी, ये रेशियो आ गई, तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी हो गई, 3:1। एक और स्टेटमेंट है एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टूगेदर, और सी जो है वो ए और बी से कितने डबल डेज लेता है भी? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/2। तो अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी ना, तो यहां कितनी है चार और यहां कितनी है तीन। तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9, बी की कितनी आ गई, 3, सी की कितनी आ गई, 4, और ए और बी की कितनी आ गई, 8। तो देखो 9 और 3 12 8 और 4 12, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमने क्या कर दी, सेम कर दी। तो अब ये काम किससे करवाना है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द थ्री मैन टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, तीनों के तीनों मिलकर, तो 12 की क्षमता से 10 दिन काम किया तो कितना हो गया, 120 काम हो गया। द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली, तो देखो ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से बी प्लस सी की अगर हम घटा दें तो ए की बच जाएगी, तो बी की कितनी है, 3 है, सी की कितनी है, 4 है, तो 12 में से 7 गए तो ए की कितनी बच गई, 5। तो 120 काम, 120 काम 5 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे भी, 24 दिन आपके यहां लग जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो 25% यानी होता है 1/4। तो अगर ए 4 है तो बी कितना होगा, बी होगा भी 5, तो ये एफिशिएंसी आ गई। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो ए 4 की क्षमता से 6 दिन काम किया तो आपके पास टोटल वर्क आ गया 6 × 4 यानी 24 डेज, 24 वर्क। ये काम है, अब ये करवाना किससे है, बी अलोन टेक टू फिनिश दिस वर्क। तो बी की एफिशिएंसी 5 है तो 24/5 यानी 4 से ही 4/5 दिन आपके लगेंगे इस कार्य को कंप्लीट होने में। तो 4/5 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A can do half of a piece of work in one day, whereas B can do full. B can do half the work as C in one day. The ratio of their efficiencies of work is. तो देखो भी, A और B का relation given है. किसका? Work का. Work यानी efficiency का ratios given है. क्या कहता है? A can do half of a piece of work in one day, whereas B can do full. तो मैं कहता हूं अगर B दो काम करता है तो A एक करता होगा. सेम प्रोसेस बी और सी के साथ फॉलो होता है. क्या कहता है? बी कैन डू हाफ द वर्क एज इन. तो बी अगर आधा एक काम करता है तो सी कितना करता होगा? दो. तो बी की एफिशिएंसी क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं. तो इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया? टू रेशो फोर. किसकी भी? बी और सी की. तो ए रेशो और बी रेशो और सी आपसे पूछा गया था तो ए की रेशो वन है. B की रेशो देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है तो B की रेशो कितनी हो गई? 2. C की कितनी आ चुकी है? 4. तो ये आपके पास क्या आ गया? इनकी एफिशिएंसी का रेशो. ठीक है, 1:2:4 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A एंड B कैन डू कंप्लीट ए वर्क इन 12 and 18 days. A 12 में और B कितने में? 18 में. तो LCM 36, 12 तिया 18 दूनी 36. A begins to do the work and they work alternatively one at a time for one day. The whole work will be completed. Alternate work पे काम करना है, यानी पहले A आएगा, फिर B, फिर A, फिर B. ये ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक आपका 36 काम नहीं हो जाता. तो चलिए अभी तो A और B से काम करवा लेते हैं, यानी मैंने पेयरिंग कर दी. तो मैं क्या मैं लिख सकता हूं? 5 काम कितने दिन में? 2 दिन में. क्यों भी? यहां पे आके A काम करेगा, यहां पे आके B काम करेगा, तो टोटल काम 5 हो गया और एक दिन ये लग गया, एक दिन ये लग गया, तो कितने दिन लग गए? 2 दिन. 36 काम करवाना है तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बना दिए जाएं? भी 7 पेयर अगर मैं बना दूं तो मेरे पास 35 काम हो जाएगा. कितने दिन में? 14 डेज में. अब ये जो लास्ट वर्क किया गया, यानी ये जो 35वां काम किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? बी के द्वारा. अब बारी किसकी आ गई? ए की. कितना काम करवाना है? एक ही तो करवाना है. एक जैसे ही आप काम करवा दोगे आपका 36 वर्क कंप्लीट हो गया. तो ए जो है वो 3 काम करने में पूरा दिन लेता है तो एक काम करने में 1/3 डे लेगा भाई. तो कितने दिन हो गए? 14 और 1/3 डेज ये हो गए तो 14 से ही 1/3 दिन. ये हमारा क्या है? आंसर है. तो कहां पे है भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है. अगला क्वेश्चन. ए कैन डू इन वन डे 3 टाइम्स द वर्क डन बाय बी इन वन डे. तो देखो, they together finish 2/5 of work in 9 days. The number of days by which B can do the work alone are. तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को स्टेटमेंट समझना है. A एक दिन में B से 3 गुना कार्य करता है. तो देखो भी A by B efficiency कितनी आ गई? 3/1. तो days कितने लगेंगे? 1/3. ratio आ गई. They together finish 2/5 of work in 9 days. तो देखो, 2/5 काम किया कितने दिन में भी? 9 दिन में. तो एक काम यानी कंप्लीट हो गया 45/2. कितने दिन लग गए? तो दोनों ने इतने दिन में काम अगर खत्म कर दिया तो एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 = 4. तो 4 की क्षमता से 45/2 दिन लग गए तो आपके पास वर्क कितना आ गया? हमारे पास वर्क आ गया 90 वर्क. ये 90 काम मेरा यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया, 90 वर्क. अब ये काम किससे करवाना है? द नंबर ऑफ डेज बाय विच बी कैन डू द वर्क अलोन आर. तो 90 बाय बी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने दिन लग जाएंगे भी? 90 दिन लग जाएंगे. बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 90 दिन. तो ये डी ऑप्शन जो है ये आपका क्या है? आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए लेबर वाज अपॉइंटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड बी पेड 75. भी उसको 75 रुपए पर डे के मिलेंगे.
बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 15 पर डे फॉर हिज एबसेंट, और 15 रुपए जो है, 15 रुपए पर डे, ये कब मिलेंगे? जब वो प्रेजेंट होगा, और ये कब कटेंगे? जब वो एबसेंट होगा। ये क्या होंगे? ये होंगे आपके डिडक्ट, डिडक्ट यानी ये काटे जाएंगे, ये आपके काटे जाएंगे। After 20 days, the contractor paid the laborer 1140. 20 दिन के बाद कितने पैसे दिए गए भाई? 1140 रुपए दिए गए। तो आपसे पूछा गया the number of days the laborer absented from the work was। तो देखो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मैं आप लोगों को बता देता हूं बेसिक। तो देखो x plus y, ठीक है, x मैं मान लेता हूं x जो था वो मेरे पास था present। x जो था वो मेरे पास था प्रेजेंट, और y जो थे वो डेज थे कौन से वाले? एबसेंट वाले। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई टोटल डेज कितने हो गए? 20। प्रेजेंट होता है तो 75 रुपए यानी 75x, और एबसेंट होता है तो 15 कटते हैं तो 15y इज इक्वल्स टू 1140। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास कितना आ गया अभी? 15x प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 300। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ऐड कर देते हैं इन दोनों को तो ये कितना बना? 15y से 15y कैंसिल तो ये 90x इज इक्वल्स टू 1440 भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1440 बटे में 90, 0 से 0 तो 16 निम्मे 144 होता है भाई, 16 निम्मे 144 होता है। तो यानी x की वैल्यू, तो वो जो प्रेजेंट है वो कितने दिन है? x डेज है, वो प्रेजेंट x डेज है। तो यानी एबसेंट कितने दिन होगा? तो यानी एबसेंट कितने दिन होगा? 20 माइनस का 16 यानी 4 डेज वो क्या हो जाएगा? एबसेंट हो जाएगा। ये आपका आ चुका है आंसर, कितने दिन? 4 डेज। तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर वो सारे दिन प्रेजेंट होता भी, टोटल डेज अगर वो प्रेजेंट होता तो 75 × 20 इतने रुपए मिलते। अगर वो 20 के 20 दिन एब्सेंट होता तो 15 × 20 इतना पैसा उसका कटता, दोनों को मिलाकर मिले 1140। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो यहां देखते हैं, तो 75 × 2 तो 5 × 10 1550। ठीक है, 1550, ये 1500 आया, 1550 में 1500 आया, और ये हो गया आपके पास 300। 300 किसका? माइनस का। ये हो गया 1140, इसको अगर हम काटें तो ये आपके पास कितना आ गया? 360, और ये कितना आ गया? 1440। तो रेशो अगर हम निकालें तो 36 को 4:1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4:1। ये किसकी रेशो आ गई? ये हमारे पास आ गई रेशो डेज की। तो देखो भी 4:1, 5:1 बराबर किसके हैं? 20 के। 1:1 बराबर हो गई किसके? 4 के। तो 4 दिन अगर वो प्रेजेंट था तो 16 दिन प्रेजेंट था, तो यानी 1 दिन एबसेंट, तो 1:1 बराबर किसके? 4 के। तो ये आंसर आपका आ चुका है 4 डेज। तो दोनों तरीके, ये आपका बेसिक है और ये आपका एलिगेशन मेथड है, तो कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो देखिए अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज्ड टू डू ए पीस ऑफ वर्क। ए वर्किंग अलोन would take 8 hours more to complete the work, that when work together, that work together if B worked alone would take 4.5 hours more than when work together। तो देखो अगर A plus B X days में करते हैं तो A करेगा x प्लस 8 में और b करेगा x प्लस में 4.5।
तो अगर ए प्लस बी के साथ कंपैरिजन ए और बी का किया जाए तो वर्क जो है वो प्लस में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ए बी के जो वर्क होते हैं, ए बी का जो वर्क होता है वो कैसे मिलता है, एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए बी, रूट ओवर ऑफ ए बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू में 9/2, तो 8 इंटू में 9/2 यानी कितना हो गया, अंडर रूट 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, ये करेगा 14 दिन में और ये करेगा 10.5 दिन में। तो आपसे क्या पूछा गया, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर, तो टुगेदर यानी आपके पास 6 डेज, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो ये जो पैटर्न है, ये वाला जो मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मूव ए फील्ड इन 8 एंड 12 डेज। गंगा 8 दिन में, सरस्वती 12 दिन में। तो ये हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास 48 ले लेते हैं, 24। 8 + 24, 12 × 24। तो फिर से गंगा सरस्वती, गंगा सरस्वती कितना दिन, 24 काम कंप्लीट करवाना है, कितना काम कंप्लीट करवाना है भाई, 24। तो क्या मैं लिख सकता हूं, 5 काम 2 डेज में, कितने, 4 पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 20 काम हो गया भाई कितने दिन में, 8 डेज में। तो 20 काम हो गया 8 डेज में। अब ये जो बारी आ गई वो किसकी आ गई, गंगा की। तो गंगा 3 काम और कर देगी तो कितने काम हो गया, 23 काम हो गया, और 1 दिन और लगेगा यानी 9 डेज। ठीक है, अब बारी आ गई किसकी, सरस्वती की। तो सरस्वती 2 काम करती है, हमें करवाना है 1 काम, तो कितना, 24 काम हो गया भाई। तो 24 काम होने में आधा दिन यानी कितने दिन, 9.5 दिन में। ये आर्स है भाई, डेज की जगह आप यहां क्या करना है, आर्स करने हैं। तो 9.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ये लोग काम किस टाइम करना स्टार्ट करते हैं, ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं 9 बजे, और 9 बजे के बाद अगर 9.5 घंटे में ऐड करूं, 9 बजे के बाद 9.5 घंटे अगर ऐड किया जाए तो आपके पास हो जाते हैं शाम के 6:30। तो यानी 6:30 बजे जो है वो वर्क आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी कैन सेपरेटली फिनिश 20 एंड 15। ए 20 में, बी 15 में, दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 डेज। देखिए 60, 3 और 4 कितने दिन, 6 दिन। तो कितना काम हो गया, 42 काम तो इन्होंने कर दिया ना, तो बच गया कितना, बच गया आपके पास कितना, 18 काम बच गया, कितना, 18 काम। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। अब बी की जगह कौन आ गया, सी आ गया। तो यानी ये जो काम है, 18 काम जो किया गया वो किया गया ए और सी के द्वारा, कितने दिन में, 4 डेज में। तो ए और सी की एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो 18/4 यानी 9/2, 4.5। तो ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी बनती है, 4.5। तो सी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी आ गई, 1.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2। देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन कुड डू द वर्क इज, सी से अकेले काम करवाना है, 60 काम है, 3 × 2, तो कितने दिन लगेंगे भी आपके, 40 डेज ये काम करने में लग जाएंगे। तो ये 40 डेज मेरा क्या हो चुका है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर्स टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। 200 वर्कर्स से 150 दिन में कोई काम करवाना था, 150 दिन में कोई वर्क करवाना था, लेकिन क्या देखा गया, 1/4 ऑफ द वर्क हैड बीन डन। तो 50 दिन में, 50 दिन में 1/4 वर्क हुआ, तो वर्क को मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे एक ही वर्क हुआ, और ये किया किसने, ये किया 200 वर्कर्स ने।
अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं भी वर्कर्स बताओ कितने, तो यानी 200 प्लस में एक्स मुझे निकालना है, वर्क टोटल डेज में ही कंप्लीट होना चाहिए, यानी 100 डेज मेरे पास है और वर्क कितना है 3, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं 1 अपॉन में 200 इंटू में 50 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 200 प्लस का एक्स इंटू में 100, तो ये कितने पे, ये 2 पे, 50, 100, 300, तो 200 प्लस का एक्स इज इक्वल्स टू 300, तो एक्स बराबर किसके आ गया 100 के। तो x की वैल्यू क्या थी, जो एक्स्ट्रा मैन हमें चाहिएंगे काम को समय पर कंप्लीट करवाने के लिए, वो कितने हो गए 100। तो आपसे क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ एडिशनल वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, तो एडिशनल वर्कर्स कितने हो जाएंगे 100, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है 100 है भाई। तो आज के जो सेशंस में हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं भाई, तो इसी चीज को आप फॉलो करिए और टाइम एंड वर्क की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो क्लास है उसको आप लोग देखिए, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट भी कर सकता है, और अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कमेंट करना है तो वो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम ग्रुप का हमारा नाम है क्वांटिट्यूड, तो इसको ज्वाइन करिए, इसमें आपको मैथ्स की पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएंगी, और आपके जो क्वेश्चंस के डाउट है उसका एक स्पेशल डाउट सेशन हमारा यहाँ रहता है, तो वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सकता है डाउट सेशन करिए और इस ग्रुप को शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों से बोलिए फायदा उठाए। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पाइप एंड सिस्टर्न की, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।